सेट होता है, लेकिन एट द टाइम आप कुछ लैपटॉप सजेशंस देख रहे होते हैं जो कि परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट हो, एडिटिंग भी हो जाए, ओकेजनली आप उसमें गेमिंग भी कर पाएं और स्पेसिफिकेशंस भी तगड़े हो। और इस वीडियो पर हम कवर करेंगे 50,000 के अंदर कौन से लैपटॉप्स ठीक हो सकते हैं। इनिशियली जो Lenovo iPad Slim है जो कि Amazon पर 50,000 के अराउंड मिल जाएगा, इसमें हमें Core i5 12th जनरेशन H सीरीज प्रोसेसर मिल जाता है। सेकंड, जो उसकी रैम है वो 48 MHz 16 GB रैम है जो कि एक्सपेंडेबल नहीं है। थर्ड की स्टोरेज 512 GB 4th जनरेशन SSD लगी हुई है, विच इज गुड। देखो उसमें तीनों ही चीजें लेटेस्ट दे रखी हैं, प्रोसेसर से लेकर रैम एंड स्टोरेज। और वहीं Asus Vivo 15 आता है सेम प्राइस पॉइंट पर, लेकिन इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलता है Core i5 12th जनरेशन 12500H सीरीज का, लेकिन Lenovo वाले में 12400H सीरीज का है कंपेयर टू Asus लैपटॉप। देखो ये चीज क्या होती है, बेंचमार्क में हम देखेंगे तो सीरीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर सिर्फ एक मॉड्यूल ऊपर है, लेकिन 12500H के बेंचमार्क ज्यादा बढ़िया है 12450H से। Asus Vivo Book में 16 GB रैम DDR4 3200 MHz की है जो की लेटेस्ट नहीं है, लेकिन 24 GB तक एक्सपेंडेबल है। 512 GB 3rd जनरेशन SSD है जो की Lenovo से एक जनरेशन कम है। वैसे इन दोनों ही लैपटॉप्स में आपको लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस ही मिलने वाली है, लेकिन एडिटिंग और गेमिंग की बात करें तो वो चीज अपने Asus वाले लैपटॉप में ज्यादा बढ़िया होगी, क्योंकि Vivo Book में हमें Iris ग्राफिक्स मिल जाते हैं जबकि Lenovo के अंदर USD ग्राफिक्स ही मिलते हैं। जनरली अगर हम बात करें कि Asus का लैपटॉप परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा बढ़िया है, लेकिन इसकी डिस्प्ले थोड़ी और बेहतर हो सकती थी Lenovo से, क्योंकि Asus वाले में 65Hz 220 nits फुल HD डिस्प्ले मिलती है, लेकिन वहीं Lenovo में 300 nits की IPS डिस्प्ले मिलती है, विच इज गुड फॉर एडिटिंग एंड कलर ग्रेडिंग। ओवरऑल अगर हम दोनों की परफॉर्मेंस देखें तो बस सिर्फ 19-20 का ही फर्क मिलेगा। अगर आप कोई हाई प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं तो दीज लैपटॉप आर दी बेस्ट, लेकिन इतना काफी नहीं होगा इस प्राइस पॉइंट पर। वाकई अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो ये Asus Tough Gaming F15 मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा इस प्राइस पॉइंट पर। मुझे ये लैपटॉप दी बेस्ट लगा। फर्स्ट कि इसका प्रोसेसर Core i5 11th जनरेशन का है, लेकिन इसका ये बेस्ट पार्ट नहीं है, इसमें मिलती है 144Hz की एंटी ग्लेयर ऑप्टिमल डिस्प्ले फॉर गेमिंग। और आपको बता दूं कि इसमें NVIDIA RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड मिलता है जो कि इसे बहुत ही प्रिसाइज और प्रीमियम बनाता है। एंड लुक की इसकी Aura RGB बैकलाइट जो कि हर किसी को चाहिए होती है। 4GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होने के चलते Valorant जैसे गेम फुल सेटिंग में 250 FPS आराम से चली जाती हैं। बाकी इसमें 16GB रैम है, 512GB SSD मिलने वाली है जो कि एक्सपेंडेबल भी है फॉर गेमिंग एंड एडिटिंग पर्पस। USB जैक एंड पोर्ट्स वगैरह एज इट इज आपको मिलने वाले हैं। और एक खास चीज की इसकी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सुपर इजी रहेगा वहां से परचेज करने में। देखो हाई प्रोडक्टिविटी एंड बेस्ट गेमिंग लैपटॉप तो देख लिए, बट अगर आपको हाई प्रोडक्टिविटी या गेमिंग वगैरह नहीं करनी है, यानी कि एक ऑफिस लैपटॉप चाहिए, तो 50K के आसपास आने वाला ये लैपटॉप इस सेगमेंट का बेस्ट सेलिंग लैपटॉप है। इसमें प्रोसेसर Core i5 12th जनरेशन 1235U सीरीज का मिलने वाला है। एक बहुत ही बारीक चीज बता दूं कि जिस भी लैपटॉप में प्रोसेसर यू सीरीज का रहेगा उसकी बैटरी परफॉर्मेंस तगड़ी होती है। गेमिंग और एडिटिंग उतनी हैवी नहीं करने को मिलेगी, लेकिन ऑफिस वर्क जितना भी होगा बिना लैग वैग के बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑफिस टाइम में आप मल्टीटास्किंग करते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप होगा ये आपके लिए। प्री इंस्टॉल 16GB रैम DDR4 होगी जो कि एक्सपेंडेबल नहीं है, 512GB SSD मिलने वाली है। वहीं इसके अंदर भी इंटेल आइरिस ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है जो कि USD से ज्यादा बढ़िया है। इसमें लाइफ टाइम MS ऑफिस सब्सक्रिप्शन, 2 USB पोर्ट है, 1 USB Type-C पोर्ट है, HDMI पोर्ट, 3.5mm जैक, SSD कार्ड स्लॉट, और ये सब इस लैपटॉप को बेस्ट सेलिंग ऑफिस लैपटॉप बनाते हैं। बढ़िया लैपटॉप है फॉर ऑफिस पर्पस के लिए, इसे आप कंसीडर कर सकते हो। इसका भी बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। एक और ऑप्शन बताता हूँ, Samsung Galaxy Book 2। इसमें सेम प्रोसेसर मिलता है Core i5 12th जनरेशन 1235U सीरीज का, बट यहाँ 8GB रैम मिलने वाली है जो कि जस्ट हाफ होगी लास्ट वाले लैपटॉप की, और ये रैम एक्सपेंडेबल भी नहीं है।
वैसे ये सैमसंग का बेस्ट सेलिंग लैपटॉप है क्योंकि काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी, थिन और लाइट वेट रहने वाला है ये लैपटॉप। इसमें खास मेटल बॉडी मिलने वाली है जो कि इस लैपटॉप को बाकी लैपटॉप से प्रीमियम बनाती है। और एक बहुत ही खास चीज कि इसमें सिक्योरिटी पर्पस फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है, सो ये चीज मुझे काफी सही लगी जो इसे अलग बनाती है। इसका भी बाय लिंक एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। फाइनली एक और लैपटॉप ऑप्शन आ जाता है जो कि इसी सेगमेंट के प्राइस पॉइंट पर है, लेकिन इट्स जस्ट अ ऑप्शन फॉर यू अगर आप सिर्फ डेल का ही लैपटॉप लेना चाहते हैं। इसमें भी कोरा i5 12th जनरेशन 1235U सीरीज का प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि ऑलवेज बैटरी परफॉर्मेंस को एनहांस करेगा। 16GB रैम, फुल HD डिस्प्ले वगैरह आपको मिलने वाली है। इसमें स्पिल रेजिस्टेंट कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड मिलने वाला है जो कि कुछ अलग रहेगा। ब्लैक कलर, थिन एंड लाइट वेट है जो कि एज अ वर्किंग लैपटॉप इसे ठीक ठाक ऑप्शन में रखता है। वेल तो गाइज ये थी आज की एक छोटी सी लैपटॉप सीरीज आपके लिए अगर आप 50K के अराउंड लैपटॉप लेना चाहते हो। आपको कौन सा वाला लैपटॉप पसंद आया मुझे